द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के भीतर सिर फुटबल की स्थिति काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। अंदरूनी कलह खुलकर सतह पर आने लगी है तो दूसरी तरफ अब सांसद और विधायक भी बीजेपी के आपस में भिड़ने लगे हैं। भाजपा विधायक खुलकर अपने ही पार्टी के सांसद के खिलाफ भड़ास निकाल रहे हैं। एक वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में मैहर विधानसभा क्षेत्र के विधायक नारायण त्रिपाठी सतना के सांसद गणेश सिंह पर जमकर भड़ास निकाल रहे हैं, उन्हें राक्षस कह रहे हैं। उनका आरोप है कि सब कुछ इनका किया धरा रहता है और फीता काटने वो पहुंच जाते हैं, अपना नाम भुना लेते हैं। इस बात का भी गुस्सा है क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में विधायक महोदय की पूछ अधिक होनी चाहिए, लेकिन आपस में भिड़ंत यह बता रही है कि बीजेपी के लिए डाउनफॉल की स्थिति आ चुकी है मध्य प्रदेश में। तो सबसे पहले इस वीडियो को ही थोड़ा सा सुनते हैं कि इन्होंने कैसे भड़ास निकाली है, फिर यह जो वीडियो वायरल हुआ है उस पर कांग्रेस के नेता प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं वो भी बताएंगे। सबसे पहले यह वीडियो देखिए। राणा सेंट्रल या मैहर में जितने काम हुए होंगे, हमारे कामों पर सांसद जी भूमि पूजन और शिलान्यास करके भाषण देके राजनीतिक नौटंकियां करते हुए मैं बोलता नहीं, मौन रहता। मैं सभी डॉक्टर साहबों को, सभी लोगों को मैं एक निवेदन करूंगा, आप लोग निश्चिंत रहें। इस तरह के राक्षसों का विनाश करने के लिए मैं राजनीति में आया। तो सुना आपने, इन्होंने राक्षस से सतना सांसद गणेश सिंह की तुलना कर दी है। अब जरा इसमें देखिए कि इस वीडियो को शेयर करते हुए पीयूष बवेले ने क्या लिखा है। कमलनाथ के काफी नजदीकी हैं। इन्होंने लिखा, बीजेपी विधायक ने बीजेपी सांसद को कहा राक्षस। बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने सतना सांसद गणेश सिंह के ऊपर जमकर निकाली भड़ास। उन्होंने कहा कि हमारे सभी लोकार्पण के कार्यक्रम में जाकर सांसद अपनी वाहवाही लूट रहे हैं। वह बताएं कि उन्होंने कौन सी केंद्र की योजना का लाभ मेहर को दिलाया है। उनका यह बर्ताव मेरे बर्दाश्त से बाहर है। मैं इस तरह के राक्षसों का विनाश करने के लिए राजनीति में आया हूं। अब वो विनाश करने की बात कह रहे हैं, यानी कि भाजपा सांसद गणेश सिंह के खिलाफ वो मोर्चा खोलने वाले हैं। आपको यहां बता देना भी जरूरी है कि इसी साल भाजपा के इस विधायक ने, जो मेहर के विधायक है नारायण त्रिपाठी ने, विंध्य पार्टी का गठन किया है। विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर वो लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं, अपने ही सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, पार्टी बनाकर कई सीटों पर चुनाव लड़ने की भी बात वो कहते नजर आ चुके हैं। और यह पहली बार नहीं है जब वो सतना सांसद के खिलाफ मोर्चा खोल रखे हैं। 2019 में भी ऐसे स्थिति आ गई थी, उस वक्त भी ये जमकर उन पर बरस पड़े थे और इस बार भी इनका गुस्सा फूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि कैसे उनके कार्यक्रम पर वो कब्जा जमा लेते हैं, भाजपा के सांसद गणेश सिंह वाहवाही लूट लेते हैं, इस बात का गुस्सा है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, मध्य प्रदेश में इन दिनों स्थिति ही ठीक नहीं है। बीजेपी के भीतर आलाकमान की भी हालत उतनी ही खराब है। जैसे अगर हम मध्य प्रदेश के आलाकमान की बात करें, टॉप नेतृत्व की बात करते हैं, तो उसमें आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम लेंगे और फिर प्रदेश के अध्यक्ष जो हैं विष्णु दत्त शर्मा यानी वीडी शर्मा, उनकी बात करेंगे। इन दोनों के बीच भी सामंजस्य सही नहीं है और इसको लेकर विवाद वहां पर काफी दिनों से देखा जा रहा है। बीजेपी के जो दिल्ली में बैठे नेता हैं, उन सब ने यह कोशिश की है, संघ को काम पर लगाया गया है कि शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा के बीच तालमेल बने, नहीं तो इसका बहुत ही बुरा असर पार्टी पर पड़ सकता है। वैसे भी पार्टी कैडर में भारी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। नतीजा यह हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता दल बदल रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं और कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। जितने भी सर्वे आ रहे हैं, राहुल गांधी ने भी डंके की चोट पर कहा कि मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस की ही सरकार आने जा रही है, 150 सीटों के आसपास उन्होंने अनुमान लगाया है। वैसे सर्वे कहते हैं कि 135 से 140 सीटें आ सकती हैं कांग्रेस को। और भारतीय जनता पार्टी का खुद का सर्वे और संघ का सर्वे यह कहता है कि वो 50 सीटों के आसपास ही समर्थ जाएंगे, यानी 50-55 के आसपास ही उनके आंकड़े आ रहे हैं। ऐसे में वो सत्ता से कोसों दूर रह सकते हैं।
तो फिर पार्टी के अंदर जो कलह शुरू हुई है उसमें आप यह देख ही रहे हैं कि कैसे भाजपा का विधायक भाजपा के सांसद पर भड़ास निकाल रहा है, उन्हें राक्षस बता रहा है, और कांग्रेस इस मामले को खूब सोशल मीडिया में फैला रही है ताकि यह पता चल सके कि भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त मध्य प्रदेश में कितनी बुरी स्थिति है, सिर्फ फुटबॉल के हालात हैं। हमने आपको एक रिपोर्ट और दिखाई थी कि कैसे इंदौर में ही भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष के सामने बीजेपी के कार्यकर्ता या फिर आम जनता कह लें प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भद्दी भद्दी गालियां निकाल रहे थे, उनके खिलाफ अभद्र नारे लगा रहे थे। तो इससे यह पता चलता है कि मध्य प्रदेश में कोई भी तबका अभी की वर्तमान सरकार जो बीजेपी की सरकार है उससे खुश नहीं है। इसका दूरगामी प्रभाव आने वाले चुनाव में पड़ने जा रहा है। अगर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में नतीजे बीजेपी के खिलाफ आए तो यकीन मानिए 2024 में लोकसभा चुनाव में भी स्थिति बदलने वाली है, यहां भी कांग्रेस का दबदबा बढ़ सकता है। वैसे भी सरकार तो कांग्रेस ने बनाई थी लेकिन चोर दरवाजे से जोर तोड़ के गणित के सहारे भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमा में सेंध लगाई, उन्हें अपने पाले में मिलाया और वहां सरकार बना ली। हालांकि अब यही दाव भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ रहा है, बेहद उल्टा पड़ चुका है। इस बार स्थिति यह हो गई है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में जो पहले से भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता फाइट करते थे, चुनावी मैदान में उतरते थे, वो सब उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि सिंधिया के साथ टक्कर लेकर ही उनके सियासत का अस्तित्व था, अब उन्होंने कांग्रेस का दामन थामना शुरू कर दिया है। ऐसे में बीजेपी के लिए टेंशन यही है कि ये सब अगर उनका वोट काटना शुरू कर दें तो अकेले ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सिंधिया जिनके लिए लॉबिंग करते हैं उसके खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ता खड़े हो जाते हैं, बीजेपी के नेता खड़े हो जाते हैं, तो असर तो पड़ना ही था। और अब कांग्रेस का दामन थाम कर कई ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कद्दावर नेता है, खासकर यदि बात करें तो भाजपा के सीनियर लीडर दीपक जोशी की, वो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं और ऐसे में जब वो कांग्रेस का दामन थाम लिए तो इसका कितना बड़ा असर बीजेपी पर पड़ने वाला है आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि यह पॉलिटिक्स है। इन मौके पर हर कोई अपना सियासी नफा नुकसान देखता है। बीजेपी में जिन्हें नुकसान की स्थिति लग रही है, आशंका लग रही है, वो सब अपना रास्ता देख रहे हैं और ऐसे में बीजेपी के कैडर पर बड़ा असर पड़ रहा है। बीजेपी का कैडर कमजोर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब इस वक्त जो यह खबर आ गई कि सतना के सांसद गणेश सिंह के खिलाफ इनका गुस्सा फूटा है, मेहर विधायक नारायण त्रिपाठी का, वो आज से नहीं फूटा है, पहले भी वो भड़के हुए हैं। इसको लेकर हमने कुछ खबरें भी इकट्ठी की हैं, आप अपने स्क्रीन पर देखिए इन्होंने क्या कहा है। पत्रिका ने खबर प्रकाशित की थी, यह 2019 की खबर है, उस वक्त भी गुस्सा था, भाजपा में अंतर कलह, मेहर विधायक बोले मानसिक संतुलन खो बैठे हैं सांसद, जनता ने उन्हें नहीं मोदी को वोट दिया। यानी सतना के जो सांसद गणेश सिंह हैं वो अपने चेहरे के दम पर वोट नहीं पाए, वो जीते नहीं, उनकी जीत जो हुई है वो मोदी जी के चेहरे पर हुई, इस बात का ही जिक्र इन्होंने कर दिया है। और जरा देखना होगा कि उन्होंने क्या कहा है। पत्रिका ने लिखा है कि सतना सांसद गणेश सिंह के अपने पार्टी के नेताओं पर भीतरघात के आरोप लगाने के बाद मेहर के भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। त्रिपाठी ने कहा जीत के कारण सांसद गणेश सिंह अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, लगता है 2 लाख से ज्यादा मतों से जीतने के कारण उन्हें लगने लगा है कि वो लोकप्रिय हो गए, जिसके चलते ऐसी बातें करने लगे, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है। गणेश सिंह भूल गए हैं कि जीत उसकी लोकप्रियता के कारण नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण मिली है। अब इस खबर को देखने के बाद तो यह साफ पता चलता है कि गणेश सिंह के आगे भाजपा विधायक अपना कद ज्यादा बड़ा मानते हैं। इस खबर में यह भी जानकारी दी गई कि 2014 में खुद नारायण त्रिपाठी ने अपने सीट की बलि दी जिसके चलते वो जीत पाए, गणेश सिंह जीत पाए, और गणेश सिंह के लिए इन्होंने मेहनत भी की, इनके विधानसभा क्षेत्र में जो भी था सारे वोट गणेश सिंह को ही गए। तो इस बात को लेकर वो बार बार उन्हें एहसास दिलाते हैं कि आप अपने चेहरे पर नहीं जीते हैं, ये घमंड ये लोकप्रियता का दम ना पालें। वैसे आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के इस विधायक का ट्रैक रिकॉर्ड भी जबरदस्त रहा है, ये अलग अलग दलों में खूब रहे हैं और उसके बाद जब भी मौका मिला है बीजेपी को तो नुकसान उन्होंने पहुंचाया ही है। इनके बारे में डिटेल में क्या कहा गया है जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। नारायण त्रिपाठी पहली बार 2003 में समाजवादी पार्टी के टिकट से विधायक बने थे,
2005 में वह समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। हालांकि 2008 के चुनाव में सपा के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन भाजपा से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। 2013 में उन्हें कांग्रेस से टिकट मिला और वे चुनाव जीत गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से अजय सिंह राहुल को टिकट मिला तो उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। 2015 में उन्होंने कांग्रेस से त्याग पत्र दिया और 2016 के विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा से लड़कर जीत दर्ज की। 2018 के चुनाव में भाजपा से जीत हासिल की। जब कांग्रेस सरकार अल्पमत में आई तो नारायण त्रिपाठी कांग्रेस का समर्थन करते नजर आए थे। उन्होंने मैहर को जिला बनाने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ को राजी कर लिया था। 2020 में उन्होंने विंध्य प्रदेश बनाने की मांग उठाई थी। 2 माह पूर्व उन्होंने पत्र लिखकर पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह की प्रतिमा भोपाल में स्थापित करने और सतना में लगी प्रतिमा के अनावरण के लिए भी पत्र लिखा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 7 मार्च को भोपाल में अर्जुन सिंह की प्रतिमा का अनावरण भी कर दिया है। तो काफी पॉलिटिकली एक्टिव हैं, लेकिन बीजेपी के लिए इस वक्त सिर दर्द बने हुए हैं, आपस में ही लड़ भिड़ रहे हैं, तो इसका असर बहुत ही खराब भारतीय जनता पार्टी पर पड़ने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।